This is me, Roshni Sahota, on National Reporter, and I all the wish all the viewers a very happy Valentine's Day and wish you all the very best. Thank you. Okay, ma'am, सबसे पहले आपने ट्रेलर देखा होगा, कैसा लगा आपको ट्रेलर? थोड़ा सा अगर आप कुछ बताना चाहेंगे इश्क के बारे में. I love the trailer and you know being a Himachal girl, Alisha बहुत pretty लग रही है and I know कि वो अपने character को as usual बहुत अच्छे से निभाने वाली है and of course Rahul is a very good actor so I'm excited. Okay, जज काफ़ी ऑलरेडी अलीशा का दो वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म आई थी और काफ़ी हिट हो गई थी, ब्लाइंड वाला अगर आपने देखा होगा, तो क्या कहना चाहेगा? अलीशा इज डूइंग फैंटास्टिक नाउ, थर्ड आना और ये भी काफ़ी रोमांटिक दिख रहा है जैसे कि ट्रेलर में हम देख रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? Well, as I said, I'm really excited and I know कि अलीशा की ये थर्ड मूवी है, शॉर्ट मूवी है यूट्यूब के लिए एंड फर्स्ट थ्री मूवीज़ जो फर्स्ट टू मूवीज़ भी रही हैं उसकी, उन दोनों को बहुत प्यार दिया है ऑडियंस ने एंड आई एम श्योर कि जैसे वो अपने काम में एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है, इसके लिए भी लोग उसे बहुत सराहेंगे. ओके, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आज नए कॉस्ट्यूम में, नए अवतार में. तो कुछ आप बताना चाहेंगे इस कॉस्ट्यूम के बारे में थोड़ा, मतलब? Well, I just want to, you know, जैसे मैंने टी वी से अभी काफ़ी टाइम से ब्रेक ले रखा है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो चेंज द इमेज ऑफ द टी वी गर्ल टू लिटिल रोशनी साइड. सो ये पूरा स्टाइलिंग आज खुद किया है मैंने अपनी फ्रेंड के प्रीमियर के लिए. आई होप एंड आई नो कि आपने जैसे तारीफ कर दी, आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए थैंक यू. ओके, आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई शॉर्ट फिल्म आपने भी कुछ कर लिया OTT के लिए, कुछ आप बताना चाहिए? वेल हाँ, मेरी एक शॉर्ट फिल्म है जो यूट्यूब के लिए ही रिलीज़ करेंगे हम लोग, या मे बी शायद किसी OTT के लिए रिलीज़ करेंगे, बट वो आई गेस पिछले एक साल से अवार्ड फंक्शंस में जाई जा रही है और अब तक 16 अवार्ड्स वो कलेक्ट कर चुकी है, बट आई एम होपिंग एंड यू नो आई एम ऑल्सो वेटिंग कि वो कब उसे रिलीज़ करेंगे एंड होप सो शायद इस ईयर में हम लोग कर लें उसे रिलीज, बिकॉज वो मैंने लास्ट ईयर की थी. किस तरह का कैरेक्टर है अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो? वेल बहुत ही रियल लाइफ कैरेक्टर है, यू नो आप रियल में कैसे रहते हैं, नॉर्मल जैसे आप घर पे रहते हैं, जैसे आप बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वैसा काइंड ऑफ कैरेक्टर है. सो आई होप कि जब वो आएगा आप लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज वो भी कुछ नए कॉन्सेप्ट पे है जो आपने पहले शायद ना सुना हो. किस बेस में है थोड़ा अगर आप कुछ बताना चाहेंगे? वेल बहुत इतने अवार्ड्स मिले तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा, कुछ आप बताना चाहेंगे? या मैं आपको टाइटल बता देती हूँ, हमारी जो शॉर्ट मूवी जो मैंने की है उसका नाम है एक अच्छी नौकरी. सो मतलब बहुत सारी यू नो अब भी वर्ल्ड में ऐसी जॉब्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें ना पता हो या जिसके बारे में हमने सुना ना हो. सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज माई मूवी, सो आई होप जल्दी रिलीज़ और आप लोगों को भी पता चले उस कॉन्सेप्ट के बारे में, बिकॉज जब मैंने की थी मुझे नहीं पता था उसके बारे में. आखिर में अपने फैंस से आप क्या कहना चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक टू ऑल माई वेल विशेज एंड फैंस, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग नाउ एंड आई एम वेरी थैंकफुल गाइज. बस थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, बिकॉज बाय नेक्स्ट मंथ आई गेस जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रिलीज़ होगा और सब आप सबको बुलाकर एक वीडियो बाइट दी जाएगी बड़ी सी, और उसमें दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि अब तक इतना बड़ा लंबा इंतज़ार क्यों हो रहा था.